This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. Hello everyone, welcome back to Gateway Solutions. कैसे हैं आप लोग friends? आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम Google Chrome विंडोज में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, चाहे 8, चाहे 8.1, चाहे विंडोज 10, तो आपके लिए मैं मेथड लेके आऊं और इस मेथड में बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल क्रोम को किस तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, कहीं से भी किसी पार्ट को स्किप ना करें, और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, चाहे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्योंकि विंडोज 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जब तक आप क्रोम नहीं इंस्टॉल कर पाते, चाहे फायरफॉक्स से कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हम टाइप करेंगे www.google.com-chrome और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर स्पेल मिस्टेक हो गए थे क्रोम के, उसे हम लोग ठीक कर लेते हैं। ओके, तो ये एड्रेस आपने टाइप करना है, सीधा आप क्रोम के डाउनलोड पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आपने डाउनलोड क्रोम पर क्लिक कर देना। ये आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए और आपको यूजर कंट्रोल विंडो शो होगी। यहाँ पर यस और नो दो बटन होंगे, आप यस पर क्लिक कर लीजिए और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहले क्रोम का सेटअप डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोडिंग के बाद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो देखिए हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और इंस्टॉलेशन के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी, मेरे पास क्रोम चल रहा था, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली रन नहीं हुआ। और आपने जो स्टार्टिंग में थीम्स वगैरह के, यूजर अकाउंट वगैरह के ऑप्शन शो होंगे, उन्हें आप स्किप भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम लोग गूगल क्रोम को विंडोज के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।